अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का बहुत ही टिपिकली और बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपकी स्किन के बारे में। ठीक है, जैसे कि अक्सरियत पे आपकी स्किन और धब्बे बने रहते हैं, तो आपको पता है ये किस चीज़ से बनते हैं। ये धब्बे और स्किन की प्रॉब्लम की वजह सबसे पहले आपका मैदा, आपको वीकनेस, कमज़ोरी, अदर चीज़ें। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इंसान भी आपको ये कहता है ना कि यार ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ मेडिसिन, फ़लाँ चीज़ मेडिसिन यूज़ करो, सब कुछ करो, जो आपको दिल करे करो, लेकिन मेरी हर वीडियो में मैं आपको अच्छा पैगाम देता हूँ, और जो थंबनेल में होता है वही वीडियो में होता है, उसी मुताबिक वो वीडियो होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक इलायची, इलायची, छोटी इलायची को इस्तेमाल करने का तरीका, ये भी सुन लीजिएगा और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। छोटी इलायची आप खाने में इस्तेमाल करें, पानी पीने में भी इस्तेमाल करें, गर्म पानी जैसे बॉयल करके घर में पीते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ में इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। आप खाने में इस्तेमाल करें उसको, आप इलायची 4, 5, 6 इलायचियाँ ले लें, उसको पीस लें। ठीक है, उसको पीस लें अच्छी तरह, पीसने के बाद उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा लेमन का रस थोड़ा सा मिक्स कर लें, और उसके बाद वैसलीन, ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करने के बाद थोड़ी सी तीनों चीज़ें आप चेहरे पे लगा लें, 15 से 20 मिनट तक उसको लगे रहने दें, उसके बाद धो दें। ठीक है, जो वैसलीन है अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बाज का कुछ को वैसलीन से प्रॉब्लम भी होती है, वो अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक चीज़ और बताता चलूँ, बलाई वो ले लें, सबसे बेहतर चीज़ है। अगर बलाई, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताता, बलाई बाज का कुछ घरों में नहीं होती, बलाई ले लें, वो थोड़ी सी आप ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लें और अपने चेहरे पे लगा लें, होंठों पे लगा लें और अपनी गर्दन पे लगा लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको पहले पीस लेना है, उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने चेहरे पे और होंठों पे लगा सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करने में, इस्तेमाल जब इस्तेमाल करेंगे आपको, तो 100 से 110% इंशाल्लाह आपको फिर भी फाका होगा, फ़ायदा होगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो काइंडली इसको रूटीन से इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर चीज़ है। जिनकी स्किन ठीक नहीं हो रही वो इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, इसको खाना स्टार्ट कर दें, और कुछ वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, उसके रूटीन से अपनी खुराक बेहतर करें, अपनी खुराक बेहतर करें, तली चीज़ें, मिर्च मसाले जात वाली चीज़ों से परहेज़ करें, कोई भी चीज़ आप खुद मेड बनाएं, खुद बनाएं, घर में मेकिंग करें। ठीक है, बाहर वाली चीज़ें इस्तेमाल कम करें, अपना और अपने घर पर को ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मिलते हैं जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।